मास्टर एचडी में सभी का स्वागत। तो याद है वो दिन जब हम छोटे थे, हमारी मम्मी जैसे गर्मी के सीज़न में अचार डाला करती थी, उसमें जूस बना के रखती थी अलग अलग टाइप के जो साल भर चले, और पापड़ ये सब सारी चीज़ें, उसके साथ कभी कभी जाम भी बना लेती थी। तो आज हम बनाएंगे आम का जाम। चलिए कितना सरल है, देखिए आपको भी मज़ा आएगा बनाने में, खाने में भी। इसके लिए देखिए थोड़ा सा करीब आइए, सामग्री देखिए क्या क्या चाहिए। हम बड़े कप में मैंगो पल्प मैंने निकाल लिया, तकरीबन आधा किलो पल्प है। उसके बाद में एक 3 नींबू का रस, शक्कर मैंने 1 कप पूरी ले ली, 1 चुटकी हमें नमक चाहिए, 200 ग्राम पपाया लेंगे और 1 एप्पल लेंगे, और ये जो है कच्ची कैरी कहते हैं या कच्चा आम, इसको भी लेंगे। अब आप कहेंगे कि भैया आम का जाम बना रहे हैं और ये फल फूल बाकी तो आपने मिक्स फ्रूट ही ले लिए सब, ऐसा नहीं है। पपाया और एप्पल में पैक्टिन होता है, और ये पैक्टिन जैसे शरीर के लिए अच्छा ही है, और ये काम क्या करता है कि जो जिलेटिन डालते हैं ना, जेली बनाते समय या जाम बनाते समय जो पकड़ने का काम करती, वो पैक्टिन इसमें होता है, ये दोनों फलों में। तो ये डालना बढ़िया चीज़ है और आप उसका इस्तेमाल करिए। कैरी के जो छिलके होते हैं ये, उसमें बहुत बढ़िया स्वाद होता, वो स्वाद के लिए हम कैरी थोड़ी सी छिलका जो है ऊपर वाला उसका पोर्शन इस्तेमाल करेंगे। चलिए बनाते हैं, बातें बहुत हो गई। ये मैंने आम का जो पल्प है वो ले लिया और इसको हम चलाएंगे। ये पल्प जो है इसको हम गाढ़ा करेंगे। इसमें मैं डाल रहा हूँ नींबू का रस। अब नींबू का रस मैंने डाला वो किस लिए, तो जब भी इन फलों के हमने नाम लिए, जैसे पपाया है, एप्पल है और स्ट्रॉबेरी है, इसमें पैक्टिन होता है, तो जितने साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें भी पैक्टिन होता है, तो नींबू में भी पैक्टिन होता है, वो काम करेगा, स्वाद भी आएगा, खटास भी आएगी, मज़ा भी आएगी। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। शक्कर डाल के इसको अच्छे से चलाएंगे गाढ़ा होने तक। मैंने इसमें नमक भी डाल दिया। ये सारा काम ख़त्म। अब बारी है पपाया की, पपीता इसे कहते हैं, पपीता। पपीता हम लेंगे ये वाला पोर्शन पपीता, इसके बीजे हमने निकाल दी, पपाया मैं निकाल लूँगा, उसके साथ एप्पल हमें लगेगा, एप्पल मैं धो लूँ। जैसे आधा किलो हमने मैंगो पल्प ले लिया है, तो 1 एप्पल हम लेंगे और 150 ग्राम पपाया, इसको मैं मिक्सी में पीस लेता हूँ। ये देखिए एप्पल का जो पल्प है हमने निकाल लिया, इसके साथ साथ है पपीता का पल्प। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। एक छोटी टिप मैं यहाँ देना चाहूँगा, वो टिप ऐसी है कि जब भी आप इसमें एप्पल का पल्प बना के मिलाओगे, तो पल्प बनाने के तुरंत बाद मिलाना है। यदि इसको रखोगे तो वो थोड़ा सा उसका रंग जो है, उसका कलर जो है थोड़ा डार्क होगा, तो फिर वो हमारा जो मैंगो जैम है वो भी थोड़ा सा डार्क होगा। ये ऊपर का हिस्सा मैं घिस के डाल रहा हूँ, महक बहुत सुंदर है इसकी। बस तकरीबन 1 चम्मच इतना आ जाए। अब इसका कलर देखिए, ये जो हरा हरा इसमें कैरी का रंग मिला है। अब स्वाद भी देखिए, अब इसे पकने देते गाढ़ा होने तक, तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लगेगा। इसको बढ़िया ऐसा गाढ़ा करेंगे हम। अब इतना गाढ़ा होने के बाद ये देखो इसमें एक चमक आई है,
ठंडा होने के बाद और ये गाढ़ा होगा। ठीक है, अब इसको भरेंगे हम। ये देखिए भरने के लिए बोतल भी जो है ना मैंने साफ़ कर ली, धो ली, सूखा दी इसको, पूरा पानी जो है उसका ड्राई कर लिया, उसके बाद में इसको ये ठंडा करके हम भरेंगे। अब ये जाम तो तैयार है हमारा, अब ये बिना फ्रिज का अच्छे से रहेगा, इसकी गारंटी मेरी। यदि ख़राब हुआ मेरे घर ला के रखना, पर ख़राब होगा नहीं और आप मेरे घर कुछ आओगे नहीं, पर इसे एंजॉय ज़रूर करोगे। और वैसे आप रखिए उसको, एक डेढ़ साल तो कुछ होगा नहीं, बट एक डेढ़ साल ये रहेगा ही नहीं, क्योंकि इतना बढ़िया है। आप रोज़ सुबह उठकर ब्रेड में लगाओगे और खाओगे। अब देखिए मैं कैसे खा रहा हूँ, ये ब्रेड ले लिया मैंने और ब्रेड के साथ ये मैं जाम ले लेता हूँ। ओहो ये बात, अब कमी है चाय की। ये देखिए चाय भी मैंने बना ली है। ये ले, ये चाय भी आ गई। चाय है, फ्रूट्स है, ब्रेड है, जाम है, न्यूज़पेपर है, चश्मा भी है, एप्पल भी है, पानी भी है, और किस चीज़ की कमी है। चलिए ये सारी चीज़ें तो दे दी, आपने क्या देना है, आपने बस इतना करना है, इसे बनाना है। पसंद पड़े तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए मास्टर रेसिपीज। अब ये कई लोगों ने कहा कि ये आप जो पीतल की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसमें इसका विवरण दिया है, आप इसको ज़रूर पढ़िए और आपको यदि चाहिए तो ऑर्डर करिए।